आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल की लोक लेखा समिति की द्वितीय उप समिति के सभापति महबूब अली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद अमरोहा, संबल, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद के निर्धारित बिंदु जिसमें की बेसिक शिक्षा, कृषि, सिंचाई, लोक निर्माण, गृह, होमगार्ड, ग्रामीण अभियंत्र सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर बिंदुओं की निस्तारित व लंबित किया गया। जनपद अमरोहा निर्धारित बिंदु जिसमें बेसिक शिक्षा, कृषि, सिंचाई, खाद व रसद विभाग के निर्धारित बिंदुओं पर माननीय कमेटी द्वारा समीक्षा की गई। माननीय सदस्यों द्वारा क्रमशः जनपद अमरोहा के एक एक करके विभाग के बिंदुवार जानकारी लंबित प्रकरणों के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए माननीय सभापति महोदय ने छात्राओं के नामांकन वृद्धि हेतु किए गए प्रयास, मिड डे मील, कायाकल्प, स्मार्ट क्लास के संबंध में समीक्षा की। सभापति महोदय ने बेसिक शिक्षा में सन 2015-16 में नामांकन के सापेक्ष हर वर्ष 70 बार कितनी बढ़ी और सन 2021-22 में संख्या क्यों घटी, इस संबंध में जानकारी ली। समीक्षा कर बैठक के समक्ष 15 दिन में रिपोर्ट अनुपालन ऐसी संख्या प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। यह भी बताया गया है कि छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। माननीय सभापति महोदय ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा स्मार्ट क्लास चलाए जाने के क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है सहित बिंदुओं पर जानकारी लेकर अवश्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के नामांकन व DVT के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग व अभिभावक के खाते में प्रति छात्र 1200 की धनराशि उपलब्ध कराने बिंदु की जानकारी ली गई और सन 2022-23 में आधार फील्डिंग की सापेक्ष अधिकतर बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म का पैसा नहीं आया है और आधार फील्ड होने के बावजूद बताया गया है कि बच्चों का डाटा संकलन व शासन को भेज दिया गया है, फंड प्राप्त होने के बाद पैसा भेज दिया जाएगा। सभापति महोदय ने इस संबंध में 3 दिन के समीक्षा AD बेसिक को प्रस्तुत रिपोर्ट करने के दिशा निर्देश सभापति महोदय ने दिए हैं। इस प्रकार शिक्षा के अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के नामांकन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, दिव्यांग बच्चों को क्या क्या सुविधा शिक्षण क्षेत्र में दी जा रही है, लिंग आधारित अंतर को कम करने के लिए कस्तूरबा गांधी महाविद्यालयों में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन से सुधार अपनाए गए हैं, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय ने निर्देश करते हुए कहा है कि जो भी बिंदु इस कमेटी द्वारा आज उठाए गए हैं उनके संबंध में हर हाल में जो समय निर्धारित किया गया है उसका समय तक रिपोर्ट अनुपालन असंख्य समय से कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कहा है कि वित्तीय लोक लेखा समिति शासन की महत्वपूर्ण व महत्वपूर्ण समिति होती है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो इसे गंभीरता को समझते हुए सभी विभाग कार्य करें।